नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह और चलिए नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 खबरों पर। मेहुल चौकसी के खिलाफ सीबीआई की नई चार्जशीट, सबूतों से हेराफेरी करने के लगे आरोप। टीबी की वैक्सीन के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन ने मांगा वैश्विक सहयोग, कहा भारत टीबी को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय रणनीति योजना को आक्रमण ढंग से कर रहा है लागू। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल से अस्पताल में भर्ती कोरोना रोगियों की मृत्यु का जोखिम हुआ कम, स्टडी में किया गया यह दावा। जम्मू कश्मीर में बढ़ाया जाएगा बैक टू विलेज योजना का दायरा, इस साल 50,000 युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार। सिखों का जत्था महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि पर पाकिस्तान नहीं जा सकेगा भारतीय सिखों का जत्था, कोरोना की वजह से नहीं मिली इजाजत। यूपीटीआई पास 21 लाख अभ्यर्थियों के हित में योगी सरकार का बड़ा आदेश, प्रमाण पत्र अब आजीवन होगा मान्य। गंगा में मिली नवजात बच्ची की देखभाल करेगी यूपी सरकार, सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाविक को दिया धन्यवाद। समाजवादी पार्टी ने भाजपा पर लगाया सत्ता के दुरुपयोग करने का आरोप, लखनऊ में डीजीपी को सौंपा ज्ञापन। गाजियाबाद की पूजा के साहस की मुरीद हुए सीएम योगी, पत्र लिखकर मां के हिम्मत को दिए सहारा। सुल्तानपुर में जिपंज अर्चना सिंह का फायरिंग करते वीडियो वायरल, पूर्व विधायक की बहन पर मुकदमा हुआ दर्ज। दक्षिण अफ्रीका पर मंडराए कोरोना वायरस की तीसरी लहर का साया, पाबंदियों को और करने का किया ऐलान। चीन ने अपने स्पेस स्टेशन के लिए भेजे पहले 3 अंतरिक्ष यात्री। इमरान खान की मुसीबतें नहीं हो रही खत्म, आर्थिक संकट के बीच अब सेना भी छोड़ रही साथ। शिखर वार्ता के बाद पुतिन बोले रूस व अमेरिका फिर से अपने राजदूतों को अपने पदों पर भेजकर कम करेंगे आपसी तनाव। पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करने का मामला, 5 अक्टूबर तक के लिए केस स्थगित। खतरों के खिलाड़ी कंटेस्टेंट अनुष्का सेन कोविड पॉजिटिव, रोहित शेट्टी के शो में बढ़ा कोरोना का खतरा। कॉफी विद करण के नए सीजन को लेकर आ रहे हैं करण जौहर, करण करेंगे सेलेब्स की पो। शतरंज के मैदान में उतरेंगे आमिर खान, विश्वनाथन आनंद के किरदार में आएंगे नजर। बादशाह के गाने में तारक मेहता के बापूजी का तड़का, वीडियो देखकर लोटपोट हुए फैंस। राखी सावंत ने खोला कोरोना वैक्सीन लगाने का नया तरीका, गाना गाते हुए लगवाई वैक्सीन। पीएसएल में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान से भिड़ गए शाहीन अफरीदी, लाइव मैच में हुई बहस। अंकित चव्हाण पर से बीसीसीआई ने हटाया बैन, श्रीसंत के साथ स्पॉट फिक्सिंग के पाए गए थे दोषी। अफगानिस्तान के गोलकीपर से हुई बड़ी गलती, खुद ही भारत के लिए कर दिया गोल। रोनाल्डो ने कोका कोला की बजाय ड्रिंक वाटर का दिया संदेश, कंपनी को हुआ 29,300 करोड़ का नुकसान।
पीएसएल से बाहर हुए फाफ डुप्लेसी फ्रेंचाइजी ने पोस्ट शेयर की जानकारी। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।